लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें एक कोच में 60 यात्री सवार थे। रेलवे थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ट्रेन सूरत से आई है, जिसमें मजदूर व बच्चे सवार हैं, जिनके लिए खाना व पानी की व्यवस्था करवाई गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं ट्रेन में बैठे श्रमिकों ने बताया कि ना तो उनको पानी की व्यवस्था की जा रही है और ना ही खाने की। करीब 15 से 20 मिनट से वो लोग पानी की आस में बैठे हैं। पानी स्टेशन पर रखा गया, लेकिन उसके बाद पानी स्टोर रूम में रख दिया गया और कहा गया कि पानी खत्म हो गया है। वहीं कई श्रमिक यात्रियों ने बताया कि जो खाना उन्हें दिया जा रहा है वह भी ठीक नहीं है और खाना बदबू मार रहा है। ये ट्रेन सूरत से आ रही है और ये मधुबनी जा रहे हैं लोग, यहाँ से श्रमिक हैं, इनके खाने की व्यवस्था यहाँ IRCTC की तरफ से की गई है। करीब एक कोच में 60 यात्री हैं, तो उसी हिसाब से प्रत्येक के लिए एक खाने का पैकेट और एक पानी की बोतल की व्यवस्था यहाँ की गई है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। कुछ बच्चों के लिए है तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था। पैसा ले लिया सरकार, बोला फ्री में जाएंगे, पैसा भाड़े का पैसा भी दिया है, खाना दे रहा है, ऐसा उल्टा सीधा के समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहे हो? सूरत से। कहाँ जाएंगे? बरौनी के लिए। रावलपुर स्टेशन पे नीचे पानी रखा रहा, जितने भी अधिकारी हैं सब खड़े थे, अंदर किसी को पानी नहीं दिया, जो जाके नीचे लेके आया उसके अलावा लेके अंदर स्टोर रूम में रख लिए, बोले पानी खत्म हो गया। पानी हमारे सामने रखा हुआ था, उन्होंने उठा के अंदर रख लिया और किसी को नहीं दे रहे हैं। हम सूरत से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? हम जब वहाँ जाएंगे, बरौनी जाएंगे। कितने देर तक ट्रेन खड़ी रही है यहाँ? ट्रेन अभी आधे घंटे से खड़ी है, आधा घंटा होने वाला। हम लोगों को नीचे नहीं जाने दे रहे, ना पानी मिला ना कुछ मिला। हम लोग सब लोग बोल रहे हैं, बोलो बोलो। नहीं मिला सर, पानी वानी नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग कितना बार बोले सर पानी दीजिए, कोई आ भी नहीं रहा है कि आके हम पानी दे, ना नीचे उतरने दे रहे हैं, ना बोल रहे कि रुको रुको पानी आ रहा है, डब्बे से आएगा, डब्बे से आएगा, कब आएगा पता नहीं। हम लोग बोल रहे हैं पैसे में, हम लोग छीनने तो जाएंगे नहीं, ये बीमारी है, सोशल डिस्टेंस यहाँ क्या हुआ? एक बोतल रख, 10 बोतल रख दिए, बोले उठा के ले जाओ, लोग छीन छोड़ कर, उसको सोशल डिस्टेंस बोलते हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं दो गज की दूरी बनाओ, 2 गज कैसे हो गया? वो तो 10 लोगों को रख के, एक जैसे नहीं होता, एक जगह रख दिए, जितने सब लोग जो जो पहले पहुंचा वो छीन के ले आए, वो ऐसी व्यवस्था है, ये गलत है।